हेलो फूडीज, मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं फूड फॉर फूडीज। और आज हम बनाने वाले हैं होली के लिए स्पेशल थंडाई। अब क्वेश्चन ये है, हम थंडाई घर में क्यों बनाएं? क्योंकि घर में जो हम थंडाई बनाएंगे उसमें हम बिल्कुल प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज करेंगे, और घर में जब हम थंडाई बनाते हैं तो आप उसे अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसे आप अपनी मर्जी से अच्छे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करूंगी कैलिफोर्निया बादाम के साथ में थोड़े से मामरा बादाम भी, जो हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कैसे बनानी है थंडाई। ठंडाई बनाने के लिए हमने ली है सौंफ, खरबूजे के बीज, बादाम, खसखस और काली मिर्च। जैसा कि आपने देखा, इन सबको मैंने भिगो दिया है। इन सबको मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के लिए भिगोया है। 2 घंटे बाद हम बादाम को 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे, और उसके बाद उसे आप हाथ से हल्के से मस लेंगे तो उनके छिलके आराम से निकल जाएंगे। ये करते समय चेक कर लें कहीं पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अब हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट जैसे काली मिर्च, सौंफ, खरबूजे के बीज और खसखस को छान लेंगे। खसखस को बाद में डालेंगे ताकि वो छन्नी के नीचे ना चली जाए। अब हम इसमें बादाम भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है चीनी, 6 कप ली है मैंने। इस कप से मेजरमेंट किया है, इसी कप से मैं लूंगी 3 कप पानी। चीनी और पानी का रेशियो 2:1 का होता है। बाकी मैं फ्लेवर के लिए डालूंगी इसमें केसर, पिस्ता और छोटी इलायची पाउडर। अब हम एक पैन में चीनी डाल देंगे और डालेंगे 3 कप पानी। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, केसर और पिस्ता। चीनी पिघलनी शुरू हो गई है और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसको हमें किसी तार तक नहीं लेके जाना, ये एक सिंपल चाशनी है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट था। हमने अब गैस बंद कर दी है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप हैंड वेस से कीजिए तो अच्छे से स्मूथ मिक्सचर बन जाएगा, जल्दी ही बन जाता है ये। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बन चुका है। अब आप इसे ठीक से ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में आप इसे किसी भी एयरटाइट बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से। ठंडाई बनाने के लिए आप ग्लास में पहले थोड़ी सी ठंडाई डालिए, उसके बाद डालिए दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब आपकी ठंडाई बिल्कुल तैयार है, आप इसे पीजिए और होली का मजा लीजिए। हैप्पी होली। सो गाइस, हमारी ठंडाई बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी ठंडाई बनी है। आप इस होली में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव मी थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब बटन इज राइट हियर देयर समवेयर। एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज। टाटा।